अस्सलाम वालेकुम, हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियोस। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको पिल्लो कवर डिज़ाइन बताऊंगी और बहुत ही सिंपल सा फ्लावर बताऊंगी जो आपको इजीली समझ आएगा और आप इसकी प्रिंटिंग भी आसानी से कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे चलिए मैं आपको ब्रश वगैरह दिखा देती हूँ, कलर बता देती हूँ कि कौन सा ब्रश है, कौन सा कलर है। तो उससे पहले फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप देख सकें हमारी डिज़ाइन। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमने 2 नंबर का फ्लैट ब्रश लिया हुआ है और यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने कलर लिया हुआ है ब्लू, सैप ग्रीन, वाइट, 3 कलर हमने लिया हुआ है और इन 3 कलर से हम पेंटिंग करेंगे लीफ की। अभी मैंने सिर्फ लीफ का कलर दिखाया हुआ है और फ्लावर जब करूँगी तो फ्लावर का भी कलर दिखाऊँगी आपको। तो चलिए हम आपको लीफ करना बताते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स, हमें कलर को अपने, अगर हमारा कलर थोड़ा सा ठीक लग रहा है तो उसमें हमें थोड़ा सा बहुत वाटर डालना है, उसके बाद मिक्स करके उसके बाद कलर आप यूज़ करें, क्योंकि कलर में अगर आप वाटर डालते हैं तो आपका कलर थोड़ा सा पतला हो जाता है और वो अच्छे से कपड़े पे लगता है, यानी कि फील होता है, जितना जैसा हम फील करना चाहें उस तरह से फील हो जाता है। और फ्रेंड्स, आप लिप वगैरह बनाते वक्त, फ्लावर बनाते वक्त इस बात का ध्यान रखें, आप पहले आउटलाइनिंग कर लें, जैसे आउटलाइनिंग, जैसे लिप वगैरह ड्रा होती है उसको पहले कर लें आउटलाइनिंग, उसके बाद जो हमारी पूरी लिप होती है उसको फील करें, ताकि आपका जो जो आप पेंट कर रहे हो, कलर कर रहे हो, उसमें काफ़ी फिनिशिंग आए। इस तरह से अगर आप कलर करेंगे तो आपकी जो पेंटिंग रहेगी काफ़ी खूबसूरत बनेगी और फिनिशिंग भी रहेगी। तो आप देख सकते हैं, जैसे कि मैंने लिप को पहले बाहरी साइड का आउटलाइनिंग किया है, उसके बाद सारी लिप को मैंने, पूरी लिप को इस तरह से फिल किया है और यहाँ पर हमारे ग्रीन कलर से हमारी लिप जो है फिल हो चुकी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, इस तरह से हमें कलर लेना है, बीच में लगाना है, बीच में आउटलाइनिंग देनी है थोड़ी सी और एक साइड की लिप को आउटलाइनिंग करना है इस तरह से। इसके लिए इस तरह से आप बनाएंगे तो आपको बहुत इजी रहेगा बनाने में और आपके शेड भी अच्छे बनेंगे। और इस तरह से आप हल्के हाथों से शेड दें ताकि आपका शेड जो है बारीक बने। अगर आप ब्रश को थोड़ा दबाएँगे तो आपका शेड नहीं बनेगा, शेड को हल्के हाथों से दें ताकि वो बारीक बारीक जो लाइनिंग हमारी बनती है वो अच्छी आए। तो उसको हल्के हाथ से करेंगे तभी वो अच्छी बनेगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी लिप में डार्क कलर का शेड हो चुका है, अब हम इसमें वाइट कलर का देना है, उसके अपोजिट हमें देना रहेगा, जो हमने ब्लू कलर दिया है उसके उल्टे साइड हमें वाइट कलर का शेड देना रहेगा और इस तरफ वाइट देना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी लिप जो है तैयार हो चुकी है और इस तरह से हम बाकी की लिप जो है बनाएंगे। तो एक लिप आप और देख लीजिए, अगर आपको नहीं समझ आया तो एक बार और आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरे यूट्यूब चैनल से कोई डिज़ाइन पसंद आती है, अगर आप उसे मंगवाना चाहते हैं, ख़रीदना चाहते हैं, तो वो आप मंगवा सकते हैं। मेरे यहाँ कॉन्टेक्ट करें, आपको डिटेल्स दी जाएगी। मैं अपना नंबर जहाँ पे टाइटल डालती हूँ वहाँ पे अपना नंबर भी डालती हूँ, आप वहाँ से नंबर लीजिए और मुझे कॉन्टेक्ट कीजिए, मैं आपको सारी डिटेल्स दूँगी। और कई बार ऐसा होता है मैं फ़ोन रिसीव नहीं कर पाती हूँ, तो आप दोबारा से ट्राई कर सकते हैं। तो आप मेरे यूट्यूब चैनल से कोई भी डिज़ाइन अगर आप मंगवाना चाहते हैं तो मंगवा सकते हैं। ऑनलाइन पेमेंट करना रहता है और अपना एड्रेस देना रहता है, जो डिज़ाइन रहेगी डिज़ाइन के हिसाब से प्राइस आपको, प्राइस वगैरह बताई जाएगी, जो जो प्राइस रहेगी आपको पेमेंट करके आप एड्रेस देना रहेगा, आपके एड्रेस पे मेरी डिज़ाइन और मैं डिज़ाइन जो आपका ऑर्डर रहेगा उसको मैं वहाँ पे पोस्ट कर दूँगी। और बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो, मतलब जिनको यकीन नहीं रहता है कि मैं डिज़ाइन नहीं दूँगी, बहुत सारे फ्रेंड्स कन्फ्यूज़ रहते हैं, मैं उनको नहीं दूँगी डिज़ाइन, इनकी नहीं जाएगी, काफ़ी डरते हैं। तो मैं उनसे कहना चाहूँगी कि मैं किसी के 200, 400, 500 इस तरह से पैसे लेके कितने दिन खाऊंगी, तो ऐसा ना समझे कि मैं उनका पैसा मतलब चुरा लूँगी, ले लूँगी, ऐसा कुछ नहीं है। मैं किसी का पैसा नहीं लूँगी, एक पैसा मैं किसी का नहीं ले सकती, मैं जो मैं मेहनत करती हूँ उसका पैसा लेती हूँ और ऐसे फायदे बेफालतू पैसे नहीं लेती किसी के। अगर उनको यकीन हो तभी यहाँ मेरे यहाँ कांटेक्ट करें, वरना करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे फ्रेंड्स जो सिर्फ झिक करते रहते हैं, जिनको यकीन है वही कांटेक्ट करें मुझसे, जिनको यकीन नहीं उनको मेरे यहाँ फ़ोन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहस मुझे अच्छी नहीं लगती है। मैंने एक लोगों की डिज़ाइन नहीं भेजी है, बहुत सारे लोगों को डिज़ाइन मैंने भेजा है और
जिन लोगों को मैंने भेजा है वो कमेंट बॉक्स में प्लीज़ ये बता दिया करें कि हाँ हमने उनको डिज़ाइन भेजा है और उनको डिज़ाइन मिल गई है। तो यहाँ पे आप फ्रेंड्स देख सकते हैं ऑरेंज कलर, लेमन येलो और ये डार्क ब्राउन कलर, वाइट कलर। फ्लावर में हम चार कलर का यूज़ करेंगे। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कैसे पहले करना है इसको। बहुत ही सिंपल है और इजी तरीके से बन जाएगा, बहुत ही आसान है। वाइट कलर हमें बाद में यूज़ करना है, पहले हमें लेमन येलो और ऑरेंज कलर का यूज़ करना है, उसी से हमारा फ्लावर बनेगा। कलियाँ हमारी दो कलर से बनेंगी और फ्लावर हमारा चारों कलर मिक्स करके बनेगा। तो अभी आप देखेंगे तो आपको खुद समझ आ जाएगा कि किस तरह से बनाना है। पहले तो हमें ऑरेंज कलर लेना है, सॉरी लेमन येलो लेना है और इस तरह से कलियों में फिल करना है। यहाँ से आप देख सकते हैं इस तरह से इसे अच्छे से फिल कर लेंगे। पहले आउटलाइनिंग कर लें तो आप जो फिल करेंगे वो काफ़ी अच्छा होगा। आउटलाइनिंग पहले कर लें और इस तरह से नीचे साइड में हम जैसा कलर लगाएंगे, जो हमारी आउटलाइनिंग है अंदर साइड आई साइड में, उसको हम इस तरह से ऑरेंज कलर लगाएंगे और दोनों कलर को अच्छे से मिक्स करेंगे। और बहुत अच्छे से मिक्स करना है, जैसे कि आप देख रहे हैं हमारा कलर जो है जॉइंट नहीं पता चल रहा है कि कहाँ से कलर जॉइंट है। दोनों कलर को एक में अच्छे से मिक्स कर दें, जितना आप ब्रश को रफ करेंगे हमारा कलर उतना ही अच्छा मिक्स होगा। तो अगर आप छोड़ देंगे तो कलर सूख जाएगा और आपका जो आपकी जो पेंटिंग है वो जॉइंट दिखेगी, कलर हमारा दिखेगा कि हमने कहाँ से कौन सा कलर लगाया है। तो इस तरह से आप कलर के सूखने से पहले ही दोनों कलर को अच्छे से मिक्स कर दें ताकि आपका कलर अच्छे से मिक्स हो जाए और शेड हमारे अच्छे दिखें। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी जो कली है वो रेडी हो चुकी है। इस तरह से हम बाकी की लिप भी बनाएंगे।
तो फ्रेंड्स आप यहाँ पे देख सकते हैं, पहले हमने फ्लावर को पूरा फिल किया है। फ्लावर को हमें पूरा फिल करना है, पहले ये लेमन येलो से हमने पूरा फ्लावर को फिल करना है, और उसके बाद हम दूसरा उसमें शेड देंगे। फिर फ्लावर को हम अच्छे से लेमन येलो से पहले बनाएंगे। मैंने अपने वीडियो में ज़रा से भी एडिटिंग नहीं की है, ताकि आपको क्लियर अच्छा समझ आए, ताकि आपको पूरे तरह से समझ में आए कि किस तरह से हमने बनाया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा लेमन येलो हो चुका है, अब हम इसमें ऑरेंज कलर का शेड देना है। जैसे हमने लेमन येलो को पहले पूरी लीफ पंखुड़ी में फिल किया है, उसी तरह से अब हमें इस तरह से आउटलाइनिंग करना है राउंड पे, और इस तरह से बारीक बारीक शेड ऊपर की तरफ खींचना है। पूरी लीफ तक पहुंचना चाहिए, ऊपर तक बहुत थोड़ा थोड़ा बचना चाहिए ऊपर से, और इस तरह से देखिए लगाना है, और इस तरह से ब्रश को ऊपर की तरफ अपनी तरफ लेना है। इस तरह से आपके जो है आपके जो शेड बनेंगे काफ़ी बारीक और अच्छे बनेंगे। इस तरह से आप देख सकते हैं, तो थोड़ा थोड़ा कलर लगाएं और शेड को देते जाएं। और लेमन येलो के जो कलर हमारा है पूरा नहीं सूखना चाहिए, थोड़ा थोड़ा सूखने से पहले ही शेड दे देना है, क्योंकि अगर सूखा तो शेड हमारा उतना खूबसूरत नहीं लगेगा। वैसे दोनों कलर मिक्स होकर शेड जब बनता है तो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लगता है। आप समझ रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से हमारे शेड बनेंगे बारीक बारीक से। डार्क और लाइट शेड दिख रहा है हमारा लेमन येलो में, इस तरह से बनना चाहिए। थोड़ा सा कलर हमें लेना है, जो बीच में हमने सर्कल बनाया हुआ है उसको किनारे से लगाते जाना है, और हमें शेड करते जाना है पंखुड़ियों में इस तरह से। अगर मैं इस तरह से कर रही हूँ, अगर आपको इस तरह से नहीं आता तो आप फ्रेम को अपनी तरफ घुमा लें। वीडियो बनाने के लिए मैंने नहीं घुमाया था, तो इस तरह से फ्रेम को अपनी तरफ घुमाते हुए तब शेड दें, आपका शेड अच्छा बनेगा, क्योंकि उल्टी साइड शेड हमारा नहीं बनता है, इधर उधर होने लगता है। तो आप फ्रेम को अपने घुमाते हुए तब जाके शेड दें। तो यहाँ पे भी हमारा शेड हो चुका है, यहाँ पे इस तरह से पूरा पूरा रहेगा यहाँ पे। यहाँ पे अब हमारा हो चुका है फ्रेंड्स ऑरेंज कलर। अब हम इसमें डार्क ब्राउन कलर हमने आपको दिखाया था, वो कलर आप देख लीजिए। अब उस कलर को हमें बीच में लगाना रहेगा। डार्क ब्राउन कलर जिस तरह से हमने ऑरेंज कलर का शेड दिया है, बिल्कुल उसी तरह से हमें डार्क ब्राउन कलर का भी शेड देना है। किनारे से इस तरह से आउटलाइनिंग करनी है सर्कल पे, इस तरह से आप देख सकते हैं। एक तरफ हमारा आउटलाइनिंग पतली रहेगी और एक तरफ थोड़ी सी उससे ज़्यादा रहेगी। और इसी तरह से जिस तरह हमने ऑरेंज कलर का शेड ऊपरी हिस्से में ऊपर की तरफ खींचा है, उसी तरह इसका भी रहेगा। और इस तरह से शेड देने के बाद हमारा जो ऑरेंज कलर है वो थोड़ा डार्क दिखने लगेगा, इसमें गहराई दिखने लगेगी फ्लावर में। और आपको पता फ्लावर में जो है रियलिटी दिखती है इस तरह से बनाने में, थ्रीडी टाइप। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, और हमारा शेड जो ब्राउन कलर का शेड है वो पूरा नहीं होना चाहिए, थोड़ा थोड़ा रहेगा। जितना हमने ऑरेंज कलर का शेड बड़ा बड़े शेड दिए हैं, ब्राउन कलर के हमारे छोटे रहेंगे। और इस तरह से बीच में जगह खाली रहेगी, उसमें हम वाइट थोड़ा सा ब्राउन कलर लगाएंगे, उसके बाद इस तरह से वाइट कलर को उसमें डॉट 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 बारीक बारीक दे देंगे, और इस तरह से हमारी डिज़ाइन तैयार हो जाएगी। थोड़ा सा लाइट दिख रहा था तो यहाँ पे हम ब्राउन कलर लगा देते हैं। ये देखिए हमारा फ्लावर बन चुका है। बस इसी तरह से हम दूसरा फ्लावर भी बनाएंगे फ्रेंड्स। चलिए देखते हैं, यहाँ पर हमारा अब जो है कि पूरा डिज़ाइन बन चुकी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत सी है ये डिज़ाइन।
आप इसे अपने ड्रेस पे भी बना सकते हैं। हमने पिलो कवर बनाया है, अगर आप ये फ्लावर ड्रेस पे भी बनाना चाहते हैं तो अपने ड्रेस पे भी बना सकते हैं, किसी भी चीज़ पे बना सकते हैं, छोटे बड़े करके आप किसी भी चीज़ पर बना सकते हैं। अगर आप इसकी बेडशीट भी बनाना चाहें तो बेडशीट भी बना सकते हैं। बहुत सारे फ्रेंड्स जो कमेंट करते रहते हैं बेडशीट दिखाइए, तो इसकी बेडशीट नहीं है। आप ध्यान से वीडियो को देखिए, सुनिए कि मैं क्या कह रही हूँ, परेशान ना करें कि बेडशीट बनाइए। जो जिसकी बेडशीट रहेगी मैं पहले ही बता देती हूँ कि पिलो कवर बना रही है, इसका बेडशीट भी दिखाऊंगी, लेकिन इसका कोई बेडशीट नहीं है। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। फिर आऊँगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।